पिज़्ज़ा वाला है बने पता है बन जाओ बने छुप गए नहीं पिज़्ज़ा वाला है बने ने पुत्र पाए तो आप लो पूरी दुनिया को क्या होती है अब मां को ने नाम नहीं किया छापर मेरा नाम संभाल कर देने मेरी वीडियो संभाल कर देने ऐसा भी हो गया शमीर अबाक हो गया और मुबशर सिद्दीक पिछले ने हुआ हो गया मैं मर गया था और मैं हूँ सरबत आपको हम अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स जो है वो खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें हम बात करेंगे फीसा अवार्ड्स के बारे में और इसकी जो मुख्तलिफ जो है नॉमिनेशन हुई है बहुत इसमें भी कुछ मेरे भी जो है फेवरेट जो है यूट्यूबर्स हैं तो मैं उसके बारे में भी अपनी राय जो है वो पेश करूंगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और इसमें जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है उसके बारे में मैं और हादी जो है अभी इनको जो है वोट देंगे तो आपको भी अपने साथ दिखाते हैं कि हमारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है। मेरा जो डकी है तुम्हारा। अभी हम कैटेगरीज के बारे में बात भी करते हैं। हमारे पास है मोस्ट इंटरटेनिंग इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है इसमें जो है मुख्तलिफ जो है हमारे पास नाम है कुछ ये खवातीन है टिकटॉकर्स वगैरह है लेकिन जो मुझे इसमें जो है फेवरेट लग रहा है वो है इसमें अभी हम वोट करेंगे वो है युखानो जो है वो मेरा फेवरेट है। उसको वोट करने की मेरी वजह ये है कि वो जो है अच्छी मतलब हाइकिंग वगैरह जो है माउंटेन्स पे जाता रहता है तो उसका जो कंटेंट है वो बहुत डिसेंट है। और हादी से और अभी मैं आपको दिखाते हैं कि हम किसको वोट करेंगे। मैं तो युखानो को हादी आप किसको करेंगे डकी को वो आगे है इंस्टाग्राम कैटेगरी में किसको वोट किया दिखाओ युखानो को हादी ने जो है वो युखानो को वोट किया है इसके जो है वो डकी वो आगे आएगा तो उसके उसमें आप उसको वोट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमर इन सोशल मीडिया इसमें मुख्तलिफ जो नाम हमारे पास हैं उनका कॉन्टेक्ट कुछ का तो मैंने देखा हुआ है और टू बी ऑनेस्टली कुछ जो है वो मेरे लिए नॉन नहीं है लेकिन इनमें जो है सीबी अरसलान जो है इनका कॉन्टेक्ट ह्यूमर के लिहाज से जो बहुत अच्छा है तो हम जो मैं तो उसको वोट करूंगा। हादी से पूछता हूँ हादी किसको आप वोट करेंगे डकी को तो आगे है हादी ही दिखाओ आदि ने भी इसको जो है वोट किया सीबी अरसलान को। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द ईयर इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है हमारे पास। अब सबसे पहले जो है डकी भाई का तो मैं इतना ज्यादा नहीं देखता हूँ तो हादी के बारे में हादी से इनसे पूछ सकता हूँ। हादी डकी भाई को जानते हो कौन है? एक स्ट्रीमर है। स्ट्रीमर है तो इसकी वजह से आपको वो पसंद है। उसके अगला नंबर है किचन में दामना ये भी जो है कुकिंग में जो है इनकी अच्छी स्किल्स हैं जो है इनका भी जो है व्लॉग जो है वो डिसेंट होता है। उसके बाद हमारे जो है मुबशिर सदीक जो है मेरे मामू ये वो जो इनके मामू है इनके हमारे गाँव से उनका तल्लुक है तो इस वजह से भी जो है आपका डिसेंट जो है कॉन्टेंट की वजह से मुझे तो मुबशिर सदीक पसंद है। इसके अलावा शामीर अब्बास इसको तो मैं इसका कॉन्टेक्ट और ये शामीर जाफरी इनका कॉन्टेक्ट तो मैंने नहीं देखा हुआ तो उसके बारे में मजीद जो है हम जो पीसा अवार्ड्स में जो एक मजाक उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे जो है प्रैंक स्टार भी इकट्ठे कर दिए शामीर अब्बास वगैरह ये शामीर जाफरी और ये जो है इसमें कुकिंग भी इन्होंने डाल दिया है और ये जो हाइकिंग वगैरह के लोग ये भी इन्होंने सब मिक्सअप कर दिया है कोई इनका मतलब है जो है मयार वो जो है हर किसी के लिए जो है वो मुख्तलिफ। पीसा अवार्ड्स वालों को चाहिए कि इनकी कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट करें ताकि जो कोई जिस फील्ड का बंदा है वो उसमें जो है उसको जो है वोट मिले। अब हम इनको वोट देने की बारी आ रही है। अभी आप किसको वोट देना चाहेंगे इसमें? डकी को मुबशर को नहीं देंगे? दोनों को दोनों सही। कोई एक आपका फेवरेट इनमें से कौन है? दोनों नहीं कोई एक बताए। डकी आदि ने जो है डकी को दिया है पबजी की वजह से लेकिन मैं जो है वो बशीर सिद्दीक को वोट दूंगा क्योंकि वो जो है बहुत ऑनेस्ट बंदा लगता है मुझे। और हमारा वोट जो जाता है मुबशिर सिद्दीक को क्योंकि वो उनका तलक हमारे गांव से है इसमें थोड़ा सा बाइस्ड होंगे हम और बहुत जो है वो ऑनेस्ट ब्लॉगर है। और हादी वोट देगा डकी को। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। ये इस कैटेगरी का जो है नाम है ब्लॉगर ऑफ द ईयर अगेन इन्होंने जो है मिक्सअप कर दिया है इसमें युखानो भी है शाम इदरीस से है मोरो भी है शावीर जाफरी को इन्होंने फिर ले लिया है इसमें जो है बहुत जो है ये डिसेंट ब्लॉगर है इसमें इनके कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं लेकिन मैं जो इसमें जो है अपनी चॉइस वो आपको बताऊंगा। इससे पहले हादी से पूछना चाहूंगा हादी आपको इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है? डकी हादी का सब में फेवरेट है और डकी से इसको बहुत ज्यादा प्यार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा फेवरेट जो है ब्लॉगर कौन है और इस पर अभी मैं आपको नाम भी दिखाता हूँ। मेरा फेवरेट जो ब्लॉगर ऑफ द ईयर है उसमें मैं मोरू को वोट दूंगा
मोरू जो है वो एक बहुत डिसेंट ब्लॉगर है, खास तौर पर मैं जो इसके जो है वो हाइकिंग वगैरह की वीडियोस जो है वो बहुत देखता हूँ। अभी रिसेंटली जो इन्होंने K2 का बेस कैंप का जो ट्रैक किया है उसमें बहुत जो है मजे मजे की इन्होंने जो है वीडियोस बनाई है, और भी जो हाइकिंग वगैरह की वीडियोस जो है बहुत अच्छी होती है। व्यूअर्स एट द एंड हम जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर और भी जो है वो लाइकर और सब जो है उनका नाम है भोला रिकॉर्ड, वो सब पाकिस्तानियों के चेहरे पे जो है मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, उनका नाम ये सारे इस्तेमाल करते हैं, उनका जो है वो रियल टैलेंट है, तो उनको जो है इन्होंने पीसा अवार्ड वालों ने जो है सिलेक्ट इन किया। आदि क्या कहोगे पीसा अवार्ड वालों के बारे में, उनको कुछ कहेंगे उनका? आदि जो बोले वो कह नाराज ना हो, क्योंकि जो है असल जो दिलों का यूट्यूबर है वो भोला रिकॉर्ड ही है। व्यूअर्स वीडियो के इख्तिताम पे हम जो है एक पाकिस्तान के जो है यंग जो है क्लाइंबर हैं उनको जो है सलाम पेश करना चाहेंगे। उन्होंने जो साल में जो है 3 जो है दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां K2, माउंट एवरेस्ट और ये जो आज भी जो रिसेंटली उन्होंने सर की है चोटी, इसका नाम है मनासलो, नेपाल में उन्होंने सर की है। 19 साल की उनकी उम्र है, हम उसको इस अचीवमेंट के बारे में उनको जो है वो सलाम पेश करना चाहेंगे। सलाम शेरोज काशिफ। व्यूअर्स पाकिस्तान की जो माउंटेन कम्युनिटी है ये बहुत अनसंग कम्युनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इनको जो है फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये जो है जानबाजों का काम है, ये बहुत मुश्किल है गेम है, तो इनकी जो सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अली सतपारा के बाद भी जो है बहुत अच्छे अच्छे माउंटेनियर मौजूद हैं। जैसा कि हादी ने कहा, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आप जहां कहीं भी हो अपना ख्याल जरूर रखिए, आपको हमारा ब्लॉग नेपाल से भी हो तो, अगर आप नेपाल से भी हैं फिर भी अपना ख्याल रखें, इंडिया से भी है तो फिर भी, इंडिया से भी, अर्जेंटीना से भी, जापान से भी है तो फिर भी, एंड अल्लाह हाफिज़।